देखिए भैया, इसको टिप क्या आए हुए अभी लगभग एक साल होने चला, लेकिन पिछला जो भी बोर्ड में पास हुआ था वो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जिसके चलते पार्षदों और मुझ में भी रोष है। मैं भी बहुत दिनों से देख रही थी कि जो काम को करने के लिए बोला जाता था बस टाल मटोल करके आज हो जाएगा आज हो जाएगा। पिछले फर्स्ट बोर्ड में ही हमने चापाकल का पास किया था कि प्रत्येक वार्ड में पाँच पाँच चापाकल लगेगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। एक साल बीत गया, फिर अभी बरसात आने को है, लेकिन अभी कल सुनने में आ रहा है कि कल टेंडर हो गया और उसका फिर अभी फिर बरसात आ जाएगा, फिर काम नहीं होगा। अभी एक साल हो गया निगम बने हुए, हम लोग पार्षद जीते हुए हैं, हम आए हुए हैं, एक साल हो गया, कुछ भी विकास का काम नहीं हो रहा है। जनता हम लोग से पूछती है सरकारी ऑफिसर का क्या है, वो आते हैं दो साल में चले जाते हैं, जनता हमें चुन के भेजी है, हमें पूछती है, तो हम क्या जवाब दें जब कार्यपालक पदाधिकारी काम नहीं करते हैं, सारा जिम्मेवारी हम पर आता है। हम लोग जीते हुए आने का सवा साल हो गया, लेकिन सवा साल में हम लोग के द्वारा हम लोग के वार्ड में एक रुपया का काम भी नहीं हुआ, ना रोड बना है ना नाली बना है, यहाँ तक मरम्मती का सामान के लिए भी हम लोग को यहाँ आके बार बार लिखित रूप में देना पड़ता है। उनका आज तालाबंदी करने का मेन कारण है कि वो कुर्सी में जब वो काम नहीं कर सकते तो वो कुर्सी में बैठने के लायक वो नहीं है। आज अगर आप सही होते तो यहाँ खड़ा होकर वो जवाब देते, आज वो गलत है इसलिए वो भाग गए। उनको जवाब देना होगा क्योंकि पब्लिक इतना टैक्स पब्लिक से वसूला जा रहा है, तरह तरह का टैक्स। अगर रोड नाली नहीं बनाना है तो मेरा वार्ड का पब्लिक कोई टैक्स नहीं देगा अगर काम नहीं होगा।